बाहरी सियासत बहुरंग तोरे, सियासत में ना कटुता ना स्थिर होती है और ना रिश्तों में स्थायित्व। बात डॉक्टर किरोड़ी मीणा और नमू नारायण मीणा की मुलाकात की। मॉर्निंग वॉक पर निकले किरोड़ी पहुंच गए नमू नारायण के घर पर, उनसे मुलाकात करने के लिए सुबह की चाय पर चर्चा की और दोनों के बीच सियासी गपशप भी हुई। दरअसल हाल ही में हुए एक वाक्य के बाद इस मुलाकात के कई मायने अपने आप में है। गंगापुर में नमू नारायण के साथ हुआ वाकया डॉक्टर साहिब को अच्छा नहीं लगा। सरकारी कार्यक्रम में माननीयों की गाड़ी में नमू नारायण मीणा को जगह नहीं मिली थी और वायरल ये वीडियो हुआ था, जिसके बाद वीडियो वायरल होने की वजह से उनके मन में वेदना थी और इसी वेदना को लिए डॉक्टर किरोड़ी पहुंच गए मिलने। मुलाकात करने पर उन्होंने कहा, नेताओं को वरिष्ठता और उम्र का ख्याल रखना चाहिए। हालांकि डॉक्टर किरोड़ी नमू नारायण की राजनीतिक प्रतिद्वंदिता जग जाहिर रही है। दोनों की एक राजनीतिक प्रतिद्वंदिता लंबे समय तक चली, कई अंशों तक नजर आई, लेकिन किरोड़ी का नमो के घर जाकर मुलाकात सियासी चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि नमू नारायण कांग्रेस में रहे। उनके भाई हरीश मीणा की बात करें तो भाजपा से सांसद रहे, लेकिन हरीश मीणा सांसद बनने के बाद भी पाला बदलकर कांग्रेस के विधायक बन गए और ऐसे में सियासत ना जाने कब कहां कैसे बदल जाए ये कोई नहीं सोच सकता। कांग्रेस में मंत्री बन गए वो मीणा नेता जो वहां पर थे, जो एमएलए बन गए हैं उनके मैं नाम नहीं बनाना चाहता, जो इनकी मेहरबानी से भी बने एक दो, वो इतने बड़े आदमी का अपमान करें वह असहनीय है, उसको सहन नहीं किया जा सकता और समय पर इसने इसका अपमान का बदला ये लें या न लें नमू नारायण जी, हम जरूर लेंगे। और चलिए इसी पर बातचीत के लिए पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, राजनीति के लिए कहा जाता है कि सियासत और सियासतदान जो होते हैं वो बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, कब किस करवट राजनीति का उठ बैठे पता नहीं लगता। और जो ताजा वाक्या ताजा तस्वीरें थी उसमें राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को परे रखते हुए डॉक्टर किरोड़ी पहुंचे नमू नारायण मीणा के घर, जिनके साथ में कई अरसे तक उनकी प्रतिद्वंदिता रही, कितनी खास और क्या मायने इस बैठक के, क्या मुलाकात के इस मायने? देखिए जैसी पूर्वी राजस्थान के दोनों बड़े छत्र, दोनों बड़े मीणा नेता है, दूसरे खिलाफ चुनाव भी लड़े हैं, और डॉक्टर किरोड़ी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, उनका कांग्रेस के बड़े नेता के घर पर जाना और उनके उनका बदला लेने की बात करना राजनीतिक मायने है। आपको पता है कुछ दिनों बाद राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है जी। और जिन इलाकों से आएगी उनमें वो इलाका रहेगा टॉक्स माधुपुर। नमू नारायण मीणा दो बार सांसद रह चुके हैं, यूपीए सरकार में वो मंत्री रह चुके, दौसा से नमू नारायण मीणा ने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था। एक तरह से कहा जाए कि प्रदेश की राजनीति खासतौर से ईस्टर्न राजस्थान की मीणा राजनीति बीजेपी में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के इर्द गिर्द घूमती है। फोर सिटी के घटनाक्रम की बात करते हुए किरोड़ीलाल मीणा नमू नारायण मीणा के घर पहुंचे और उनका साथ देने का आदर भरोसा जताया और एक हौसला बढ़ाया और साथ में ये भी कह दिया कि हम आपके अपमान का बदला लेंगे। अपमान के बदला लेने की बात राजनीतिक हलकों में अलग तरीके से ली जा रही जी। जो अर्से से नमू नारायण मीणा जो अपने वाकपटुता और साफ शब्दों में कहने के लिए हमेशा जाने जाते रहे वो कुछ दिनों से चुप से है, और भाई हरीश मीणा वो बीजेपी के विधायक कांग्रेस पार्टी के विधायक है और वो सचिन पायलट के बेहद नजदीकी नेता कहे जाते हैं, बीजेपी से एक बार वो सांसद भी रहे हैं। यहाँ पर परिस्थितियां बिल्कुल अलग है। यहाँ नमू नारायण मीणा इस पूरी सरकार के अंदर जो राजनीतिक तौर पर जो कुछ उन्हें प्राप्त होना चाहिए था या जो उनके सम्मान की बात थी या कोई बड़े पद की बात थी वो अभी तक शायद उस लेवल पर नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस की राजनीति के अंदर भी मीणा पिछले कुछ दिनों से हाशिए पर है। तो ऐसे में किरोड़ीलाल मीणा का उनके पास जाना और उनसे बातचीत करना ये लीक से हटकर किरोड़ी का ही कदम है, क्योंकि ऐसा कभी पहले रहा नहीं कि दोनों के बीच में काफी निकटता हो। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि मुरलीलाल मीणा और किरोड़ीलाल मीणा के बीच भी नजदीकियां देखी गई थी, दौसा में घर की बात हो चाहे जयपुर में मुरलीलाल मीणा के घर पर किरोड़ीलाल मीणा का जाना हुआ हो, दोनों की नजदीकियां देखी गई थी। अब नमू नारायण मीणा के साथ जो उनकी नजदीकियां नए सिरे से बढ़ती देखी गई वो एक अलग बात है, लेकिन ये जरूर है जैसे संकेत मिल रहे हैं कि दिनों बाद किरोड़ीलाल मीणा अगर संभावित केंद्रीय मंत्री परिषद फेरबदल में वो मंत्री बन सकते हैं, उस निमित्त ये जो भी घटनाक्रम है अपने आप में बेहद अहम है। राजनीतिक तौर पर इसके दूरगामी परिणाम हमें देखने को मिलेंगे और जल्दी ही हमें
परिणाम इस तरह से देखने को मिलेंगे जब राहुल गांधी का आगमन होगा। नमूना मीणा से कहा जाए ब्यूरोक्रेसी से फिर वो राजनीति में आए और एक बड़ा परिवार उनके परिवार का है, बामनवास पूर्ण रूप से बामनवास के निवासी। और योगी जी, लेकिन इसमें एक फैक्टर ये भी है कि मुलाकात करने तो पहुंच गया और उन्होंने ये भी कह दिया कि मन में बहुत वेदना है उनके लिए, लेकिन पूर्व केंद्रीय मंत्री नमू नारायण मीणा से जब इस सिलसिले में बात की गई थी, उनसे प्रतिक्रिया ली गई, तो उन्होंने कहा कि महज एक अफवाह है, पार्किंग में गाड़ी थी और उन्होंने सोचा कि काफिले के पीछे चले, लेकिन काफिले के अंदर जो गाड़ियां थी वो ऑलरेडी उस समय फुल थी, तो ऐसा कोई मामला नहीं था। लेकिन आज मुलाकात के बाद भी उन्होंने अब क्या प्रतिक्रिया का इंतजार उनकी ओर से भी, कितना उन्हें इस चीज से खुशी हुई कि उनके घर पहुंचे, मुलाकात की और वगैरह वगैरह सब कुछ? देखिए नमू नारायण मीणा अलग तरह के नेता है। किरण लाल मीणा के साथ उनकी कभी भी बॉन्डिंग नहीं रही है। जरूर नहीं है कि वो किरण लाल मीणा जो कहे उनकी बात को फॉलो करे। पता है कि वो मुरन लाल मीणा और किरण लाल मीणा दोनों से डिफरेंट नेचर के राजनेता है। उनका नेचर अलग है। पुलिस के अधिकारी रहे, अभी जो कहते थे वो करते थे, और जब केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री रहे बहुत काम उन्होंने किए, बहुत बैंक खोले, बहुत एटीएम सेंटर खोले, कई काम उन्होंने किए। उनका दरवाजा हमेशा अपने समाज के लिए और दूसरे अन्य लोगों के लिए खुला रहा, और ये उनकी खासियत रही है। नमू नारायण मीणा की हरी बात कहते हैं, किसी को अच्छी लगे तो अच्छा है, किसी को बुरी लगे तो बुरा है। डॉक्टर किरण लाल मीणा की राजनीतिक स्टाइल अलग है, जनता के नेता माने जाते हैं। वो जन नेता के तौर पर उनकी इमेज है, जहाँ दुख दर्द फरियादी होता है वहाँ पहुँचते हैं, चाहे उसके वहाँ वोट उनको मिले या नहीं मिले। अभी कुछ दिनों पहले पुजारी जलाया था, वहां पर भी वो पहुंचे थे, जबकि उनके क्षेत्राधिकार से या उनके निर्वाचन क्षेत्र या जहां चुनाव वो लड़ा करते हैं उस सीमा से वो बाहर का इलाका था, उनकी जाति का वो था, लेकिन उसके बावजूद वो पहुंचे। नमू नारायण मीणा से किरण लाल मीणा की जन नेता पूर्वी राजस्थान में रही है, एक क्रांतिकारी और एक लड़ने वाले नेता के तौर पर उन्हें जाना जाता है, जो जनता की आवाज लड़ता है। तो ऐसे में दोनों मीणा नेताओं के बीच में जो बातचीत है पूरी तरह बाहर नहीं आई है, इसके राजनीतिक जो एंगल हो कुछ दिनों बाद में पता लग जाएगी। निश्चित तौर पर पूरे राजस्थान में आने वाले समय में घटनाक्रम बहुत तेजी से बढ़ेगा, और दो बड़ी जातियां पूरी राजस्थान में जो वहाँ की सियासत को पूरी तरह प्रभावित करती है, मीणा वर्ग और गुर्जर समाज। और ये दोनों वर्ग है, मीणा समाज के लिए कहा जाता रहा है कि वो परंपरागत रूप से कांग्रेस वोट बैंक पता है, परंपरागत रूप से कांग्रेस भी रहा है जी, और वही गुर्जर समाज एक बड़ी राजनीतिक ताकत उस बेल्ट में। तो राहुल गांधी का आगमन होने वाला है इसी बेल्ट के अंदर, उससे पहले इस तरह का घटनाक्रम अपने आप में बेहद है। चलिए योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ में पूरी बातचीत साझा करने के लिए। इसी पर बात करने के लिए हमारे सहयोगी ऐश्वर्य भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, आपने सुना अभी योगेश जी को, उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान में जितना बड़ा एक प्रभाव रहा है और मीणा समाज के दोनों बहुत बड़े चेहरे हैं और मुलाकात इस तरह से होना, लेकिन अभी तक पूरी बातचीत सामने नहीं आई है। डॉक्टर किरोनी ने तो कह दिया कि उनके मन में वेदना थी, लेकिन ये कहना नमू नारायण मीणा का इस मुलाकात से पहले कि ऐसी कोई बात थी भी नहीं, अफवाह कोरी उड़ाई जा रही है, आपको क्या लगता है क्या मायने इसके और हो सकते हैं सियासी राहुल गांधी की भारत यात्रा के संदर्भ में भी इसके साथ में? देखिए, ये पूर्वी राजस्थान की जो राजनीति है वो पूर्वी राजस्थान की राजनीति कुछ नेता हैं जिनके इर्द गिर्द घूमती है, उनमें डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा भी हैं, चाहे कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता हैं जिनके इर्द गिर्द घूमती है। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा का कद पिछले दिनों बढ़ा है बीजेपी पार्टी में, खासतौर पर अगर देखा जाए तो, क्योंकि अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद उनके मूवमेंट तेजी से बढ़े हैं, इसमें कोई संशय भी नहीं है। तो अब ऐसे में नमू नारायण मीणा के पास जाने का एक मूल कारण ये भी हो सकता है कि कई बार मुद्दे ऐसे होते हैं जो राजनीतिक पार्टियों से परे समाज के भी होते हैं, कि समाज में एक मैसेज किस तरीके से दिया जाए खुद के समाज में, तो खुद के समाज में भी यहाँ से मैसेज चला जाता है। तीसरा, यदि बर्फ पिघलने लगती है तो कुछ संभावनाएं भी बन जाती हैं, क्योंकि इस बार पूर्वी राजस्थान की सियासत किस तरीके से रहेगी इस बात का इंतजार सभी को है, क्योंकि कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो जिन विधानसभा क्षेत्रों में गुर्जरों को मीणों को गुर्जरों का साथ चाहिए ही चाहिए होता है। मिसाल के तौर पर देखें तो दौसा का ही मुरारी लाल मीणा का उदाहरण देख लें, उन्हें बेहद आवश्यकता है गुर्जर वोटों की, इस पर कोई संशय नहीं है। तिकराय में चले जाइए आप, बांदीकुई में चले जाइए, इस तरीके से अन्य विधानसभा क्षेत्र उनमें भी कमोवेश यही स्थितियां हैं। लेकिन जब चुनाव पास में आते हैं
तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता से परे सियासत बड़ी अहम भूमिका अदा करती है, किसकी किसके साथ दोस्ती है, किसकी किसके साथ गठजोड़ है, कौन किसे हराएगा और कौन किसे जिताने के लिए कोशिश करेगा, अंदर खाने क्या रहेगा और बाहरी तौर पर क्या रहेगा, ये तमाम चीजें देखी जाती है। लेकिन आज की इस मुलाकात के बाद, इस मुलाकात के बाद आगे रास्ता किस तरीके से तय होगा, क्योंकि सियासत में संभव ही नहीं कि किसी के साथ स्थायी तौर पर शत्रुता जारी रखी जाए, राजनीतिक शत्रुता या अस्थायी, ये सब कुछ चीजें होती है, ये चीजें एक बाहरी होती है और आंतरिक चीजें अलग होती है। तो इन मुलाकात के मायने क्या होंगे ये कुछ दिन बाद पता चलेंगे, लेकिन ये जो तस्वीर है बेहद महत्वपूर्ण तस्वीर है, क्योंकि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता दोनों की किस कदर रही है ये सभी लोग जानते हैं। नमो नारायण मीणा यूपीए सरकार में बड़ा नाम था, इसमें कोई संशय नहीं है, और वित्त राज्य मंत्री जैसे अहम पदों पर रहे, और वो उस वक्त अच्छे से सभी को याद है कि हमेशा चर्चाओं में भी बने रहते थे, और किरोड़ीलाल मीणा क्योंकि बीजेपी में रहे, बाद में बीजेपी उन्होंने छोड़ी भी, लेकिन राजनीतिक प्रतिद्वंदा आज के दौर से लेकर पहले भी बनी रहती थी नमो नारायण मीणा के साथ। नमो नारायण मीणा के भाई हरीश मीणा बीजेपी में आए, उसके बाद वो भी कांग्रेस में चले गए, तमाम चीजें अलग है। लेकिन अब देखना होगा कि किरोड़ीलाल मीणा का अगला दाव क्या होता है, कुछ बार कई बार एक बयान भी देते हैं वो सचिन पायलट की तरफ, कुछ थोड़ा सा झुकाव उनका अपने बयानों में रहता है, कई बार स्पष्ट तौर पर भी बोल देते हैं वो किरोड़ीलाल मीणा। तो ये जो पूर्वी राजस्थान की सियासत इस बार जो निकलेगी, दौसा, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर और उसके बाद कोटा के हाड़ौती का कुछ क्षेत्र और उससे होते हुए जयपुर जिले की कई सीटें, तो जब वहां की सियासत निकलेगी तो यहां तक मैसेज जाएगा, अलवर की कुछ सीटें, तो ये बड़ा मायने रखता है। यहाँ पर दोनों ही जातियों की अच्छी खासी संख्या है, गुर्जर और मीणा, हालांकि माली समाज है वो की वोटर माना जाता है, उनकी भी ठीक संख्या कही जा सकती है, लेकिन ये जो दो समाज है ये प्रमुख रूप से है पूर्वी राजस्थान में। तो ये दो समाज इसी से जुड़ता हुआ एक सवाल है वो आप बताइएगा कि आपस में ये दोनों चीजें लिंक हो रही है कि नहीं। सबसे पहले तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आने वाली है, राजस्थान में प्रवेश करेगी, उससे पहले गुर्जर प्रतिनिधियों का ये कह देना कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से जो पहले मांगे रखी गई, जिन पर वायदे किए गए और पूर्ति नहीं होने पर जब भारत जोड़ो यात्रा आएगी राजस्थान में तो उसका असर उस पर नजर आएगा उनके समाज की ओर से। अब यहाँ पर डॉक्टर किरोड़ी का ये कहना कि भले ही नमो नारायण मीणा अपने अपमान का बदला ले या ना ले, लेकिन हम तो बदला जरूर लेंगे, ये उन्होंने पहले प्रतिक्रिया दी थी आज से मुलाकात से पहले। क्या ये दोनों चीजें आपस में लिंक है कि आने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर एक पहले से ही माहौल विपक्ष बनाने की कोशिश इस तरह से करते हुए, या फिर संगत साथ में और समाजों को लेकर? देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी की यात्रा में पूरी कांग्रेस एक नजर आएगी, इस बात में कोई संशय नहीं है, और कांग्रेस दिखाएगी भी अपनी ताकत, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा भी अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे, क्योंकि जन आक्रोश यात्रा में कल स्टिकर विमोचन में वो मौजूद थे, जो प्रमुख नेताओं को बुलाया गया उन नेताओं में उनकी मौजूदगी रहना। अगर हम जयपुर जिले से जोड़ के देखते हैं तो जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर के सांसदों का रहना समझ में आता है, लेकिन राज्यसभा सांसद हैं और पूर्वी राजस्थान के हैं तो वहां से सिर्फ और सिर्फ उन्हें बुलाया जाना, क्योंकि ये आक्रोश यात्रा है, ये सरकार के खिलाफ होगी और आंदोलनों का इन्हें अच्छा खासा अनुभव है, तो ये राहुल गांधी की इस यात्रा पर मनोवैज्ञानिक रूप से भी लाभ लेना चाहेंगे किरोड़ीलाल मीणा भी, ये कारण भी इसके साथ जोड़ा जा सकता है कि जब इस तरीके की तस्वीर को लेकर वो अपनी सिंपैथी दिखाएंगे। हालांकि ये जो राजनीति है, ये राजनीति जहां तक समझ में आती है जिन लीडर्स को लेकर हम बात करते हैं, तो भैरव सिंह शेखावत की इससे जिन्होंने राजनीति का ककहरा सीखा था उनमें किरोड़ीलाल मीणा है खुद। बिल्कुल, ये तस्वीरें जो दिखाई आज आपने।